राम जी की बारात चली, बड़ी भीड़ बनाई न बरनत बनी बराता। पहला गांव आया रास्ते में तो बारात को देखकर लोगों की बड़ी भीड़ हुई। अरे भैया इतनी भव्य बारात, इतनी आलीशान बारात। तो दर्शक उत्सुकतावश पूछते ही, भैया बारात कहां से आ रही है? तो बाराती कोई कम अकड़ वाले होते, फिर राम जी के बाराती। अरे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार का विवाह है, बारात अयोध्या से। दर्शक बोले वही हम गए, इतना ठाट बाट। कहां जा रही है? महाराज जनक के यहां मिथिला विदयपुर। लोग कहते क्या कमी है, हो नहीं इतनी बड़ी बारात, वाह 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 बहुत। अब बरातियों ने मुझ पर हाथ घुमाया, कोई कमी थोड़ा ही है, ऐसे वैसे की बारात है क्या? बड़े अकड़ कर बोले। दर्शक बोले वो तो सब ठीक है, अयोध्या से बारात आ रही है, जनकपुर जा रही है, लेकिन एक बात पूछें क्या, जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे, कहां है दूल्हा? सारी अकड़ चली गई बारातियों की, क्योंकि दूल्हा तो है ही नहीं। आज तक ऐसी बारात नहीं गई जिसमें दूल्हा ना हो। अब ये कैसे कह दे कि दूल्हा तो पहले ही पहुंच गए, उन्होंने ही तो प्रोग्राम बनाया है। अब अकड़ तो चली गई, अब मूछ पर हाथ जाए नहीं। वो बोले बोले दूल्हा कहां है? तो वो कहे वो दूसरे से कहे तुम बताओ ना कहां है। दूसरा कहे तो तुम ही बता दो, तुम्हें पता नहीं है? बोले जो तुम्हें पता दो हमें पता है। अब लोग पूछे कि दूल्हा भी कोई ऐसी चीज है जिसे ऐसे खोजना पड़ेगा जैसे सुई खो गई हो। अब बहाना सोच लिया इतनी देर में, कहने लगे देखो भाई यह है बारात है बहुत बड़ी। तब दूल्हा ऐसा है, भीड़ ज्यादा है ना, वो पीछे आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। एक ने कहा पीछे क्यों बता दिया? बोले अपनी तो जान बचाओ, पीछे वाले सुलझेंगे। पीछे आ रहे, निकल गई बारात आगे। पीछे वालों से पूछने वाले खड़े थे वो दर्शक, जब पीछे वालों से पूछा कि दूल्हा कहां है, पीछे वाले बोले आगे वालों ने क्या कहा था? कहा आगे वाले तो कह रहे थे कि पीछे आ रहे। अरे भीड़ ज्यादा थी, बीच में निकल गए, बीच में। यह बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चली। किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब इस बारात में दूल्हा ही नहीं, लेकिन जैसे ही बारात उस गांव से बाहर गई, कुछ लोग महाराज दशरथ जी के पास गए। बोले महाराज बड़ी समस्या है। क्या? लोग पूछते हैं कि दूल्हा कहां है, क्या बताएं, समाधान दो। दशरथ जी बोले हम क्या बताएं, गुरु जी से पूछो। अब गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज बड़ी समस्या। क्या? बोले लोग दूल्हा पूछते हैं, दूल्हा कहां है? वशिष्ठ जी बोले किसी दूसरे राजकुमार को बता दो। अरे महाराज कुछ लोगों ने राम जी को देखा भी तो होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले ऐसे को बताओ जो राम जी से मिलता जुलता हो। तो भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर। वशिष्ठ जी बोले भरत जी को बता दो। दशरथ जी बोले गुरु जी कह रहे हैं तो ठीक है। अब बारात दूसरे गांव में पहुंची तो फिर ग्रामीण लोग दर्शन के लिए आए। अब गांव वाले ये पूछ रहे थे कि बारात कहां से आ रही है, और बाराती क्या कह रहे थे, दूल्हा बताएं कहां है। वो कहते थे अरे भैया हम तो दूल्हा नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं बारात कहां से आ रही, अयोध्या से, अब बताएं दूल्हा कहां है। उन्होंने कहा नहीं हम ये पूछ रहे हैं बारात जा कहां रही है। अरे बता दिया अयोध्या से आई, जनकपुर जा रही, अब बता रहे हैं वो रहे दूल्हा, भरत जी की तरफ ये रहे।
ये रहे। लोगों ने कहा क्या कहना, बारात जितनी सुंदर, दूल्हा भी उतनी सुंदर, वाह वाह वाह। अब फिर मुझ पर हाथ घुमाया, कोई कमी थोड़ी है, कुछ हरे गहरे की बारात है। लेकिन लोगों ने कहा एक बात पूछ, अब क्या पूछोगे, यही कि बारात अयोध्या से जा रही आ रही है, मिथिला जा रही है, बड़ा अच्छा, दूल्हा भी बड़े सुंदर, और विवाह, लेकिन ये विवाह कौन सी तिथि को होना तय हुआ है, तिथि, ये दूसरी विचित्रता थी, तिथि तय नहीं हुई थी और बारात चल दी, विवाह किस तिथि को होना तय हुआ है। बोले तिथि वो हमें तो पता नहीं, तुम बताओ, तुम बराती हो, तुम्हें तारीख पता नहीं कि उस तारीख को विवाह होना है, उसी हिसाब से तो चले होगे। अब बोले तिथि, तब अंत में बोले ऐसा है कि तिथि तय नहीं हुई अभी। बोले अजीब बारात, विवाह की तिथि तय नहीं हुई और बारात चल दी, प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, तिथि तय नहीं है। बोले हमने सोचा कि वहीं करेंगे जाकर तिथि वहीं। हम लोग हंसने लगे, तिथि तय नहीं थी तो आपस में ही लड़ने लगे, पहले ही कहता नहीं आते बारात में, अच्छा था वहीं तिथि तय करा लेते। अब तो इतने बराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। तो भैया ये अवधवासी तिथि तय हुई नहीं, पहले ही बारात लेकर क्यों जनकपुर पहुंच गए। मिथिला वाले बोले हम बताते क्यों पहुंच गए, क्यों पहुंचे, अयोध्या वासियों ने सोचा कि चलो पहले ही से चलो, जितने दिन पहले से चलो सो अच्छा। कहा क्यों, कहा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, खाने पीने को बढ़िया तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे। और बोले अयोध्या में यहां, कहा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे और अयोध्या में, कहा यहां मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला। यहां मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला चले, यहां मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला चले। सखियन के सुनी व्यंग बचन वर, सखियन के सुनी व्यंग बचन वर, राजे सहु बलि जात अवध से मिथिला चली। ये राजे सहु बलि जात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरात। अरे वर्णन तो यहां तक है, व्यवस्था ऐसी की गई, दधि चिवरा उपहार आहारा, भरी भरी कांवरी चले कहा, दही चूड़ा तक का वर्णन श्री रामचरितमानस में। जगह जगह बारात के रुकने की व्यवस्था थी और जनक जी की ओर से सेवक आए थे दही चूड़ा, और ये तरह तरह के व्यंजन लेकर। एक अयोध्या के संत बोले, देखो भाव की बात है, अपने अपने भाव। श्री अवध के संत का भाव था जनक जी भी, जनक जी क्यों क्या हुआ, कहा ये राजा महाराजाओं की बारात जा रही है, चक्रवर्ती सम्राट के ज्येष्ठ राजकुमार का विवाह है सब रहा, और खाने पीने में दही चूड़ा, ये राजा महाराजाओं के खाने की चीज है दही चूड़ा। ठीक लिखा श्री तुलसीदास जी ने, क्या का सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। ये जनक जी जन्म के दरिद्री है, ये दही चूड़ा बारातियों के लिए, राजा महाराज दही चूड़ा। एक जनकपुर भाव के भक्त थे, वो बोले बात ये नहीं है, फिर बोला अयोध्या वाले मर गए बिचारे सत्तू खाते, दही चूड़ा पहली बार मिला, वह तो स्वल्पाहार था, आहार की तो अलग व्यवस्था थी, अब उनको दही चूड़ा इतना प्रिय लगा, इतना कि थोड़ा सा खाया और लगा कि बहुत बढ़िया है। तब दोबारा लेने की इच्छा होते हुए कहने में संकोच लगे, तो बोले क्या, वाह बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। एक बोला हमने तो पहली बार खाया, तो सेवक बोले और लीजिए और
नहीं नहीं इसलिए नहीं कह रहे, नहीं नहीं इच्छा हमारी इच्छा। अरे अब आपका दिल कैसे तोड़े, ला दूसरी बार मांग लिया, तीसरी बार भोजन तो रखा ही रहा, दही चूड़ा जब सवेरे से खाना शुरू किया, दोपहर हो गई, जनक जी के पास समाचार जब दिया गया कि बराती उनका भोजन हो गया, चले वहां से, बोले भोजन अभी तो सवेरे से दही चूड़ा ही खा रहे हैं। तो जनक जी इतने खुश हुए, सुख विदेह कर बरनी न जाई, कि बराती दही चूड़ा ऐसे खा रहे हैं अयोध्या वासी के जन्म दरिद्र मनहु निधि पाए। अब यह परस्पर विनोद का भाव है। श्री जानकी जी का पक्ष लेकर भक्त अपनी बात कहते हैं, राम जी के पक्ष से अपनी बात कहते हैं, यह घराती और बरातियों का परस्पर विनोद, यही आनंद, यही बस। अब बरात आ गई जनकपुर,